हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मास्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनाली बिंद्रे को हर कोई जानता है। उन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर अपनी बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। सोनाली का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीता। सोनाली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1994 में आई फिल्म आग से की थी। इस फिल्म में सोनाली के साथ सुपरस्टार गोविंदा नजर आए थे। ये फिल्म नहीं चली, लेकिन सोनाली से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो उनके फैंस जानना चाहते हैं। आज हम आपको वही वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों सोनाली बिंद्रे के लिए एक लाइक तो वीडियो को जरूर करें। 1996 में सोनाली की फिल्म दिल जले आई, जिसमें सोनाली का अभिनय लोगों को काफी पसंद आया। इसके बाद सलमान खान के साथ उन्होंने हम साथ साथ है में काम किया। ये फिल्म जहां उनके लिए इतनी खुशियां लाई, तो एक बड़ी मुसीबत भी साथ में लेके आई। दरअसल फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक घटना के कारण सोनाली पर केस दर्ज हो गया था। 1997 में आई सुपरहिट फिल्म भाई में सुनील शेट्टी और सोनाली लीड रोल में थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे, लेकिन इस बात की भनक सेट पर कुछ लोगों को लग गई थी। देखते ही देखते सोनाली ने सुनील को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और सुनील ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। दोनों की शादी को लेकर बॉलीवुड में बहुत सी बातें चलने लगी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। सोनाली का नाम मशहूर राजनेता राज ठाकरे के साथ भी जोड़ा जा चुका है। राज ठाकरे भी सोनाली से प्यार करते थे, और जब ये बात शिवसेना के प्रमुख बाला ठाकरे को पता चली तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से शादी करने के लिए मना कर दिया। और एक समय पर पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शोएब अख्तर भी उनके प्यार में पागल हो गए थे। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सोनाली उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं करती तो वो उन्हें किडनैप करवा लेंगे। सोनाली ने 12 नवंबर 2002 को फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल से शादी कर ली। सोनाली और गोल्डी की पहली मुलाकात 1994 में एक फिल्म के सेट पर हुई थी। सोनाली ने पहली बार गोल्डी बहल के प्रपोजल को इनकार कर दिया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद सोनाली को लगा कि गोल्डी बहुत ही केयरिंग है और उनका खूब ध्यान रखते हैं। 1998 में एक पार्टी के दौरान उन्होंने घुटनों पर बैठकर सोनाली को शादी का प्रपोजल दे दिया। 4 साल डेटिंग के बाद गोल्डी बहल और सोनाली ने शादी कर ली। 2018 में सोनाली को कैंसर होने का पता चला था। एक्ट्रेस ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी। महीनों तक विदेश में इलाज कराने के बाद अब वो स्वस्थ है। वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को पोस्ट करती है। तो दोस्तों आपने जाना सोनाली बिंद्रे के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को। अगर आपको भी ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस एक्ट्रेस के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।